लो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज हम बात करने वाले हैं एमटेक के बारे में, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। बहुत सारे बच्चे होंगे जो आप में से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होंगे, स्पेशली जो बीटेक या इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड में ग्रेजुएशन कर चुके हैं, स्पेशली उनके लिए कोर्स है। अगर आप मास्टर लेवल पर टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से रिलेटेड पढ़ाई करना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। इस कोर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेट्स गो। तो देखो, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, एमटेक इसको आप शॉर्ट में बोलते हो। तो ये जो कोर्स है ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। मतलब जो भी आपके ग्रेजुएशन के बाद कोर्सेज होते हैं उसे हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, ठीक है। दिस कोर्स यू विल लर्न अबाउट करंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड डू रिसर्च ऑन दैम। जो आज करंट समय में और फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजीज है उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हो और उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में आप रिसर्च भी करते हो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको इस पर्टिकुलर पढ़ाई के दौरान, इस कोर्स के दौरान आपको सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं। एजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, आपकी बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्लीट होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन विद मिनिमम 50% मार्क्स वाली। बाकी कॉलेज टू कॉलेज भी डिपेंड करता है, कहीं परसेंटेज ज़्यादा भी हो सकती है। एडमिशन है वो डिपेंड करता है एंट्रेंस एग्जाम पे और मेरिट लिस्ट बेस पे। तो देखो, एंट्रेंस एग्जाम तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, उनमें से एक खास तौर पर एक एंट्रेंस एग्जाम है गेट, ठीक है, GATE गेट। उसका नाम आप में बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कर चुके हैं। तो गेट अगर आप देते हो तो आपकी चाहे तो गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हो डायरेक्ट उसके बाद भी, और आगे एमटेक की पढ़ाई भी कर सकते हो। तो ये इंटरेस्ट बेस्ट है, आपको इसके लिए प्रिपेयर जरूर करना चाहिए अगर आप फर्दर स्टडीज़ का सोच रहे हो। तो जॉब्स की बात करें तो देखिए, आपकी एकेडमिक्स में जा सकते हो, कॉर्पोरेट एरिया में जा सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो। बाकी इंजीनियर तो बन ही सकते हो क्योंकि आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड ये पढ़ाई है। अब आगे चलते हैं तो देखो, अब बात करते हैं स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी हैं, स्ट्रीम्स जिसे आप बोलते हो, स्ट्रीम्स कौन कौन सी हैं। देखो, यहाँ पे फेमस जो बहुत सारी फेमस स्ट्रीम है जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, सिविल इंजीनियरिंग होगी आपकी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगी, ये 3-4 तो बहुत फेमस है। एक साथ साथ फेमस है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। लेकिन बाकी और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है लेकिन लोग कर नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा फील्ड है वो सारे, जैसे कि बायोमेडिकल, ठीक है, पॉलीमर इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। और ये तो सिर्फ मैंने फर्दर सिर्फ कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे स्ट्रीम्स के, बहुत सारे स्ट्रीम्स और हैं। ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया कि किस तरह की आपकी पढ़ाइयाँ हो सकती हैं, किस किस स्ट्रीम्स में हो सकती हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रीम की पढ़ाई हो सकती है। अब मैं सिलेबस नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, इन सबका सिलेबस बनाना पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में, ठीक है। तो आप समझ लो कि इन सब के बारे में ही आपकी पढ़ाई होने वाली है। अब इनकम की बात करें कि भैया ये पढ़ाई कर लेते हो तो मिनिमम आपकी कितनी से स्टार्टिंग हो सकती है, तो मिनिमम देखो 4 लाख से स्टार्टिंग हो सकती है, 4 लाख पर एनम, ठीक है, 4 लाख से स्टार्टिंग हो सकती है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज़्यादा से भी हो सकती है, 5 से भी हो सकती है, 10 से भी हो सकती है, 20 से भी हो सकती है, 50 से भी होती है, करोड़ से भी हो सकती है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लो आप कल को किसी IIT वगैरह में से पढ़ के निकल रहे हो तो वहाँ तो अच्छा हिसाब किताब बैठता है, किसी बड़े MNC कंपनी में आपकी जॉब लगती है तो वहाँ तो अच्छा हिसाब किताब बैठेगा। बाकी नो लिमिट है, जो हायर लिमिट है ना उसकी कोई लिमिट नहीं है, चाहे आप जॉब में हो चाहे वो आप बिजनेस में कर रहे हो, क्योंकि इंजीनियरिंग में हमेशा ज़्यादातर ये देखा गया है जो हायर लिमिट है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बिजनेस कर लो, स्टार्ट कर लेते हो, कोई ऐसा आप टेक्नोलॉजी या कोई ऐसी सिस्टम डेवलप कर लेते हो जिससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो रहा हो लोगों को भी और आपको भी, तो वहाँ तो पैसा अंधाधुन आएगा ना आपके पास, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।